ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं उपेंद्र शर्मा आज आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के विषय में जानकारी देने के लिए। मित्रों, मैंने अपनी पहली वीडियो में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग एवं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में कुछ जानकारी दे पाऊँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन पर क्लिक करके आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले हमारी उन वीडियोस को देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जो मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में स्थित है। यह भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी काली को समर्पित है। इस ज्योतिर्लिंग की महत्ता पुराणों में वर्णित है और उसे भगवान शिव के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। मंदिर में विशाल शिवलिंग है, जो एक ऊंची चौड़ी पीठ पर रखा गया है। मंदिर के पास सदाशिव, नंदी व विनायक जैसे शिव के प्रमुख सहायक देवताओं की भी मूर्तियां हैं। महाकालेश्वर मंदिर का नाम उज्जैन शहर के राजा महाकाल के नाम पर रखा गया है। श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर पूरे वर्ष खुला रहता है। महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग के अलावा उज्जैन शहर में कई और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी हैं। उज्जैन शहर को मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के पास ही काली घाटी तीर्थ है, जो देवी काली को समर्पित है। यहाँ श्रद्धालु देवी काली की पूजा करते हैं और दीपदान करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ही एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में स्थित है, जैसा कि मैंने पहले बताया। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण की ओर विशेष ध्यान दिया, इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रतिवर्ष और सिंहस्थ अर्थात कुंभ मेला के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्राय नष्ट हो चुकी थी, लेकिन 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में यहां दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ यानी कुंभ पर्व, कुंभ मेला, स्नान की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। महाकालेश्वर मंदिर के पास ही काली घाटी तीर्थ है,
जो मैंने पहले बताया, जो देवी काली को समर्पित है। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तुमिश ने जब इस मंदिर को तुड़वाया तो शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। बाद में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा कराई गई। सन 1668 के कुंभ मेला महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार कर सुसज्जित कर लिया गया था। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का भी निर्माण कराया गया था, लेकिन दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए बिरला उद्योग समूह के द्वारा 1980 के सिंहस्थ अर्थात कुंभ मेला के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का भी निर्माण कराया। हालांकि हाल ही में इसके 118 शिखरों पर 16 किलो स्वर्ण की परत चढ़ाई गई। श्री महाकालेश्वर का स्थान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में तीसरा है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर में ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। उज्जैन में चंद्रसेन नामक शिव भक्त राजा था। श्रीकर नाम एक 5 वर्ष के बालक ने एक बार राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा तो घर आते समय वह एक पत्थर का टुकड़ा घर ले आया और उसी को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। यह देखकर उस बालक की माता ने पत्थर उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और बालक को घर के अंदर ले जाने लगी तो बालक चीख पुकार करने लगा और भगवान शिव शंकर को मदद के लिए पुकारते पुकारते बेहोश हो गया। इस पर भगवान शिव से रहा नहीं गया और जब उस बालक को होश आया तो उसने देखा कि सामने सोने के दरवाजों वाला विशाल मंदिर है। उसके अंदर उपस्थित ज्योतिर्लिंग रोशनी की अद्भुत छटा बखेर रहा था। इस पर बालक पहले तो अचरज में डूबा और फिर खुश होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब बालक की माता ने यह देखा तो बालक को उठाकर गले से लगा लिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और राजा चंद्रसेन भी यह चमत्कार देखने को आया और उसने बालक की भक्ति की सराहना की। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने भी बालक की भक्ति की सराहना की। यही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जीवन में जब भी आपको समय मिले तो श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए अवश्य जाएं। इनके दर्शन मात्र से ही सभी पापों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है तथा मोक्ष को प्राप्ति होती है। भक्तों, मेरी पुनः आपसे प्रार्थना है कि आगामी आने वाले सभी ज्योतिर्लिंगों की जानकारी के लिए एवं अन्य हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय दिया और मेरी इस वीडियो को देखा और सराहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।